और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि मामले को लेकर आज विधानसभा में बड़ी बैठक हो सकती है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं जहां विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और आपको बता दें कि मामले को लेकर आज विधानसभा में एक बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लखीसराय के DSP थाना प्रभारी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर विधानसभा अध्यक्ष के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है और विधानसभा अध्यक्ष के साथ ये बदसलूकी की गई है, जिसके बाद से लखीसराय के DSP थाना प्रभारी के खिलाफ नोटिस भी जारी किया गया है और इसी को लेकर आज विधानसभा में एक बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे ये बैठक हो सकती है। चलिए खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, लखीसराय के DSP और थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, आखिर क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल पूजा, ये जो मामला है विधानसभा यहाँ बदसलूकी का मामला है, जो वहाँ के थाना प्रभारी हैं और एक DSP है, इन्हें तलब किया गया है, इनसे शोकॉज पूछा गया है। उसी को लेकर के मुख्य सचिव और DGP के साथ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष मीटिंग होगी, उनसे जवाब तलब किया जाएगा कि आखिर एक क्यों विशेषाधिकार का हनन कर रहे हैं पुलिस पदाधिकारी लोग। उनके उनके साथ जो बैठक होगी, उनसे पूछा जाएगा कि जो पदाधिकारी है स्पीकर की बात नहीं सुनते हैं तो आम लोगों की बात क्या सुनते होंगे। बिल्कुल धीरेन्द्र, इससे पहले भी कई बार विधानसभा अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि जो अधिकारी है वो हमारी नहीं सुनते हैं। इससे पहले भी उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने अधिकारियों की मनमानी की शिकायत की थी और एक बार फिर इस तरीके की बात सामने आ रही है। तो अधिकारी आखिर इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के साथ इस तरीके का बर्ताव करना कहीं ना कहीं ये जरूर दिखा रहा है कि अफसरशाही कुछ ज्यादा ही अभावी होने लगी है। बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से विधानसभा अध्यक्ष की बातों को अनसुना करना, उनकी बातों को नहीं मानना एक विशेषाधिकार का हनन है। वही बीजेपी के कई विधायक भी, साथ ही बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी शिकायत की थी कि जो पुलिस पदाधिकारी हैं या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो बात नहीं सुनते हैं। यदि ये जन प्रतिनिधि की बात नहीं सुनते हैं तो आम लोगों की बात क्या सुनते होंगे। इसी को लेकर के आज मुख्य सचिव के साथ और DGP के साथ जो विजय कुमार सिन्हा विधानसभा अध्यक्ष से बैठक करेंगे, साथ ही एक और मुख्य बिंदु पर बैठक होगी, जो विभागों के द्वारा विधानसभा सचिवालय को उपयुक्त उत्तर नहीं मिल रहा है, उसकी भी नाराजगी है, कहीं ना कहीं इसकी भी नाराजगी देखी जा रही है, इसको लेकर के भी बैठक की जाएगी।